हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है। टेक आउट योर कंप्यूटर बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 20। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 20। आज हम आपकी बुक का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या नाम है? मेरे साथ रीड करेंगे सभी बच्चे, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम इस लेसन में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखें और सुनेंगे। एज वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी, अ कंप्यूटर टू हैज मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट इज यूज टू डू अ डिफरेंट जॉब। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर भी कई पार्ट्सों से मिलकर, कई चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हर एक पार्ट का यूज अलग अलग काम करने के लिए किया जाता है। मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के मेन पार्ट्स देखिए। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स, एक कंप्यूटर इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी है वो? नंबर वन मॉनिटर, सेकंड सीपीयू बॉक्स, थर्ड कीबोर्ड और फोर्थ हमारा है माउस, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किस पिक्चर को क्या कहा जाता है। तो ये तो होता है हमारा मॉनिटर, ये होता है हमारा सीपीयू, ये होता है हमारा माउस, ये होता है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। अब हम एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, मॉनिटर एक टेलीविजन की तरह दिखता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा मॉनिटर, दिख रहा है ना आपको बिल्कुल टीवी की तरह, ये टेलीविजन की तरह। वॉट एवर वी ड्रॉ और टाइप कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर, हम जो कुछ भी ड्रॉ या टाइप करते हैं वह हम मॉनिटर पर देख सकते हैं, ठीक है, देखा जा सकता है वो चीज। वी कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून ऑन द मॉनिटर, हम मॉनिटर पर मूवीज और कार्टून भी देख सकते हैं। अब आप ब्रेन बॉक्स में देखिए, यहाँ पे क्या सेंटेंस दे रखा है, एक मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो, वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। तो ये था आपका मॉनिटर। अब आइए आप पेज नंबर 21 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 21। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू बॉक्स। इनसाइड द सीपीयू बॉक्स देयर इज अ सीपीयू, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू बॉक्स के अंदर एक सीपीयू होता है, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। आपको बहुत अच्छे से बिना देखे इसको याद करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे साथ रीड करिए आप सभी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा होता है सीपीयू, ठीक है। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक एंड राइट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑर्डर्स, ये कंप्यूटर को सोचने और लिखने में मदद करता है दिए गए ऑर्डर के अनुसार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। इट हैज मैनी बटन्स कॉल्ड कीज, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन बटन्स को? कीज कहा जाता है। यह है आपका कीबोर्ड, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। और इस पे जो बटन होते हैं इसको क्या कहते हैं? कीज। वी प्रेस द कीज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, हम अल्फाबेट्स और नंबर्स को टाइप करने के लिए कीज को दबाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउस। अ कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस, कंप्यूटर माउस एक असली माउस की जैसा दिखता है। इट हैज टू बटन्स एंड अ व्हील ऑन इट, इसमें दो बटन और उस पर एक पहिया होता है। ये देखिए ऐसा होता है हमारा माउस, और ये होते हैं दो बटन इसके, और ये होती है एक व्हील पहिया, ठीक है, इस पर बना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? माउस। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स, ये हमें पिक्चर बनाने और गेम खेलने में मदद करता है। कौन? माउस। इट इज यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर, इसका यूज मॉनिटर पर चीजों को सिलेक्ट और पॉइंट करने यानी चुनने के लिए किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है माउस, ठीक। अब यहाँ पे ब्रेन बॉक्स में देखिए क्या दे रखा है सेंटेंस, अ माउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अब आइए आप पेज नंबर 22 पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 22, इसमें आपको क्विक स्कैनर में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको? व्हाट आर दीज कलर द करेक्ट बॉक्सेस, ये क्या है? सही बॉक्सेस में आपको कलर करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है
अभी क्या कौन सी पिक्चर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एडिशनल पार्ट्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, देयर आर सम अदर पार्ट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, लेट अस लर्न अबाउट देम। अब कुछ एडिशनल पार्ट्स है जिन्हें कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, आइए जाने उनके बारे में। फर्स्ट है यूपीएस, यूपीएस, यूपीएस स्टैंड फॉर अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे, अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस का मतलब होता है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये है आपका यूपीएस, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है अन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन इवन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, जब लाइट चली जाती है ना उसके बावजूद भी कंप्यूटर को ये चालू रखता है, ठीक है, एकदम बंद नहीं होने देता है, ये कुछ देर तक कंप्यूटर को चालू रखता है। इट ऑल्सो सेव्स आवर कंप्यूटर इन केस ऑफ हायर वोल्टेज और पावर प्रॉब्लम, ये हमारे कंप्यूटर को हायर वोल्टेज या पावर प्रॉब्लम की समस्या से भी बचाता है, ठीक है, ऐसे मामलों से भी ये हमारे कंप्यूटर को बचाता है, ठीक। अब आइए आप पेज नंबर 23 पर, ये है स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 23, प्रिंटर, इट इज यूज टू प्रिंट द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर ऑन पेपर, इसका यूज कंप्यूटर पर किए गए काम को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ऐसा होता है हमारा प्रिंटर, देख पा रहे हैं आप सभी, आपको पता होना चाहिए ऐसा होता है प्रिंटर, ठीक। और द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी भी कहा जाता है, अगर आपकी बुक में यहाँ पर आर हो तो आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है, ये द है, THE, द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है स्पीकर्स, स्पीकर्स कम इन पेयर, स्पीकर जोड़े में आते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है स्पीकर्स, ऐसे होते हैं स्पीकर्स, ठीक है। दे आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और साउंड विच इज प्लेड ऑन द कंप्यूटर, इसका यूज कंप्यूटर पर प्ले होने वाले म्यूजिक या साउंड को सुनने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये था आपका स्पीकर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर आपको सही का निशान लगाना है, ठीक। फर्स्ट है अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ, एक मॉनिटर किसके जैसा दिखता है, टेलीविजन के जैसा, ठीक है, आप यहां से देख के अपने बुक में निशान लगाएंगे। सेकंड, अ डैश इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। थर्ड, डैश हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स, हमें पिक्चर ड्रॉ करने में कौन मदद करता है, कौन मदद करता है हमारे पिक्चर ड्रॉ करने में, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस करता है, ठीक है, इस तरह आप अपने बुक में टिक करेंगे। अब आइए आप पेज नंबर 24 पर, यह है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 24, फोर्थ पॉइंट है आपका दिस इज यूज टू प्रिंट आर वर्क ऑन पेपर, किस चीज का यूज हम हमारे काम को कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं, प्रिंटर का, ठीक, इस तरह टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है, मैंने यहाँ पर नंबर लिख रखे हैं, आप यहाँ से देखकर इसमें फिल करेंगे, ठीक है, तो मैंने किस तरह किया है बताती हूँ आपको। फर्स्ट है द डैश इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है कौन, सीपीयू, ठीक। सेकेंड, अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स कॉल्ड, एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है, ठीक। थर्ड, अ माउस इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश डिवाइस, माउस को और क्या भी कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। फोर्थ, डैश कैम इन पेयर, पेयर में कौन होता है बताइए, मैंने बताया था ना आपको, स्पीकर्स, स्पीकर्स कैम इन पेयर्स, ठीक। तो इस तरह आप अपनी यहां से देख के इन ब्लैंक को फिल करेंगे बहुत अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ट्रू के लिए आप टी का यूज करेंगे, टी लगाएंगे, और एफ के लिए आप एफ लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, वी कैन सी आर ड्राइंग ऑन द मॉनिटर, हम अपनी ड्राइंग को मॉनिटर पर देख सकते हैं, जी बिल्कुल देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखिएगा टी, टी मीन्स ट्रू, ठीक, सही है। सेकंड, अ कीबोर्ड हैज टू बटन्स, एक कीबोर्ड में दो बटन होते हैं, नहीं गलत, फॉल्स है तो, क्योंकि कीबोर्ड पे तो बहुत सारे बटन होते हैं। थर्ड, अ माउस हेल्प्स अस टू पॉइंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर,
एक माउस मॉनिटर पर चीजों को पॉइंट करने के करने में हमारी मदद करता है? जी बिल्कुल करता है। टी सही है, ट्रू लिखेंगे, टी बनाएंगे। फोर्थ, स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। जी बिल्कुल, तो ये भी सही है, यहाँ पर भी आप टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू यानी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डी, गेस हु इज इट। गेस कीजिए कि ये कौन है, चलिए करते हैं। फर्स्ट, इट हैज टू बटन्स एंड अ व्हील। इसमें दो बटन और एक पहिया होता है, सोचिए कौन है ये। माउस, मैंने कर रखा है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, आप इसी तरह अपनी बुक में भी फिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें किस के अंदर होते हैं दो बटन और एक पहिया? माउस के अंदर। ठीक, सेकंड, इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है, कौन है कंप्यूटर का ब्रेन? सीपीयू। थर्ड, इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, कौन दिखता है सोचिए, मॉनिटर। फोर्थ, इट हैज मैनी कीज ऑन इट। इस पर बहुत सारी कीज होती हैं, सोचिए किस पर होती हैं? कीबोर्ड पर होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैंने कर रखे हैं, आप सभी बहुत ध्यान से देखिए इन्हें, मैंने कर रखे हैं, आप सभी बहुत ध्यान से देखिए, इसी तरह आपको अपनी बुक में भी फिल करने हैं। ठीक है, अपनी बुक में करेंगे आप ये। क्वेश्चन ई, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हमें पिक्चर ड्रॉ करने में मदद करता है? माउस हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स। माउस हमें पिक्चर ड्रॉ करने में मदद करता है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स अस टू टाइप। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट हमें टाइप करने में मदद करता है? कीबोर्ड हेल्प्स अस टू टाइप। अब आप आइए पेज नंबर 25 पर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 25 पर, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी से आप क्या समझते हैं? द प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके फोर्थ क्वेश्चन आंसर। आपको ये अपनी ये सारा काम जितना भी मैंने आपको अब तक कराया है, ये आपको अपनी बुक में ही करना है। बहुत अच्छी अच्छी साफ साफ राइटिंग में करेंगे आप सभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्रिएटिव शर्फ में क्वेश्चन दे रखा है, क्या करना है इसके अंदर? राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर ईच पिक्चर इन द बॉक्स नेक्स्ट टू इट। विच वर्ड इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द लेटर्स। राइट द कम्प्लीट वर्ड फोर टाइम्स इन द गिवन ब्लैंक्स टू लर्न द स्पेलिंग। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पिक्चर के लिए शब्द का पहला अक्षर उसके आगे वाले बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, मैंने लिख रखा है इसमें, और क्या करना है उसको आपको यहाँ पर फोर टाइम्स लिखना भी है। ठीक है, और उसको स्पेलिंग को लर्न भी करना है। ठीक, तो पिक्चर को देखिए ध्यान से, क्या है ये? कैंडल। तो इसका फर्स्ट लेटर लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा? सी। कैंडल किससे स्टार्ट होता है? सी से। सी, ये क्या है? पिजन। पी, इसका फर्स्ट लेटर क्या हुआ? पी। ये क्या है? अम्ब्रेला। ध्यान से देखिएगा सभी, ये क्या है? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट होता है? फर्स्ट लेटर क्या होता है इसका? यू। तो क्या हो गया ये? सी पी यू। तो आप इस तरह यहाँ लिखेंगे सी पी यू, इस तरह आपको बार फोर थ्री टाइम्स और लिखना है। ठीक, इस तरह से ये टू थ्री आपको ये कंप्लीट करने हैं। बहुत इजी आसान है, आपको पिक्चर को देखकर इन्हें कंप्लीट करना है, और आप लिखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे स्पेलिंग के साथ। तो अब आइए आप पेज नंबर 26 पर। ये है आपका पेज नंबर 26। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी, कलर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। उन चीजों को कलर करो जो कंप्यूटर का पार्ट है। क्या है? कंप्यूटर का पार्ट है। तो आपको पता है सभी को कि कंप्यूटर का पार्ट कौन कौन सा है इनमें से? तो ये भी आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। बहुत इजी है, आसान है, आप इसको इजीली कर लेंगे। और ये काम आपको इसमें तो करना ही है, इसमें तो सिर्फ आपको कलर करना है, और ये आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करना है। इसी तरह पहले सारी चीजें आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो कंप्यूटर का पार्ट है उसमें आप कलर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है काम। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।